वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास फर्स्ट को एसएसटी पढ़ाएंगे। एसएसटी में आज हम आपको सेकंड चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ाया था? फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स किसे कहते हैं? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, यानी कि दादा दादी जो होते हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने बताया था पेरेंट्स। पेरेंट्स किसे कहते हैं? मम्मी पापा, जो हमारे मम्मी पापा होते हैं वो हमारे पेरेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद ब्रदर सिस्टर, यानी कि भाई बहन। हमने कल आपको स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली भी बताई थी। स्मॉल फैमिली यानी कि छोटा परिवार। छोटा परिवार कौन सा होता है? जिसमें मम्मी पापा, एक भाई या एक बहन, यानी कि फैमिली में दो बच्चे होते हैं, वो हमारा छोटा परिवार कहलाता है। और बिग फैमिली यानी बड़ा परिवार हमने क्या बताया था? जिसमें मम्मी पापा, तीन भाई दो बहन या तीन बहन दो भाई, यानी कि जिसमें ज़्यादा लोग होते हैं वो हमारा बड़ा परिवार। फिर हमने आपको जॉइंट फैमिली बताई थी। जॉइंट फैमिली में कौन कौन आता है? दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, अंकल आंटी, ये उनके बच्चे, ये सारे जो होता है हमारा बड़े परिवार ज्वाइंट फैमिली में होता है। ठीक है, आज हम उसी से रिलेटेड दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, व्हाट पेरेंट्स डू फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि व्हाट पेरेंट्स डू फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, ये हम आपको। He is my father. He works in an office. He earns for the family. मतलब क्या बता रहा है एक लड़का? एक लड़का है, वो बता रहा है कि ये मेरे पापा है। मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और ये परिवार के लिए पैसे कमाते हैं, जो जिससे हम लोग अपने घर में अनाज लाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, कपड़े लाते हैं। ठीक, यानी कि पापा लोग क्या करते हैं? पापा लोग बाहर जाते हैं, कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसे कमा के घर में लाते हैं। और जब पैसा घर में आएगा तो हम चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे आप लोग चॉकलेट खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें किससे आती? पैसे से आती। और ये पैसा कहाँ से आता है? पापा कमा के लाते हैं। शी इज़ माई मदर, शी वर्क्स इन द हाउस, शी कुक्स फूड फॉर द फैमिली। अब क्या बता रहे हैं कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी घर में रहती है और मम्मी हमारी घर में हमारे लिए खाना पकाती है। अब मम्मी लोग घर में क्या करती हैं? देखना आपकी मम्मी लोग क्या करती हैं। मम्मी लोग झाड़ू करती हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, फिर आपके लिए खाना बनाना, पूरे घर की साफ़ सफाई करना, आपके कपड़े धोना, ये सारा काम जो है मम्मी करती है। शी मदर ऑल्सो वर्क आउटसाइड द हाउस। और कुछ मदर होती हैं, कुछ मम्मी लोग होती हैं जो बाहर जा कर के काम करती हैं, यानी कि घर की भी देखभाल करती हैं, यानी कि खाना बनाना, सब कुछ झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, ये सारे काम पूरा फिनिश करके फिर वो बाहर जाती हैं, बाहर भी काम करती हैं और वो भी पैसे कमाती हैं। पैसे कमा के क्या होता है? घर में आता है और जो पैसे आते हैं उनसे हम अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं, ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। वी कीप अवर बुक्स एंड टॉयज एट देयर प्रॉपर प्लेस। हम तो हमको भी क्या करना चाहिए कि जब मम्मी घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है, तो हमको भी अपना जो काम है खुद करना चाहिए। जैसे अपने खिलौने जो हैं खेलने के बाद सही जगह पर रखने चाहिए, है ना? पढ़ाई करके कॉपी किताब सही जगह पे रखना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपनी मम्मी की मदद करनी चाहिए। क्योंकि मम्मी क्या करती है? घर में भी काम करती है और बाहर भी जाके काम करती है। ठीक, मदर हेल्प्स द चिल्ड्रन इन देयर होमवर्क। मम्मी लोग और क्या करती हैं? मम्मी लोग खाना बनाने के साथ साथ हमारी भी देखभाल करती हैं, जैसे हम लोग को पढ़ाती हैं, जो चीज़ें हमको नहीं पता याद आती हैं, जो चीज़ें हमको समझ में नहीं आता पढ़ाई में, तो मम्मी बैठ के पढ़ाती हैं, है ना? पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन व्हेन दे आर सिक। और जब
हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं। कैसे करते हैं? पापा क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर वो दवा आती है, दवा से दवा हम लोग खाते हैं। मम्मी क्या करती है, हम लोग के लिए खाना बनाती है, जो डॉक्टर बोलता है ना कि जब बीमार पड़ते तो हम लोग खिचड़ी हो गया और दलिया हो गया, साबूदाना हो गया, ये खिलाते हैं ना। तो मम्मी लोग क्या करती है, हम लोगों के लिए ये सब चीज़ें बना के खिलाती हैं, हमारे पास रहती हैं, हम लोग को कहानियाँ सुनाती हैं, है ना। तो क्या है कि हमारे मम्मी पापा हमारी देखभाल करते हैं जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, और जब हम लोग बीमार पड़ते तो मम्मी पापा भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, है ना। पेरेंट्स वर्क हार्ड टू गिव देयर चिल्ड्रन दे नीड, दे बाय फूड क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स। हमारे मम्मी पापा हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए सभी के मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं। बाहर जैसे पापा बाहर नौकरी करते हैं, मम्मी लोग भी बहुत होती हैं जो घर के काम के साथ साथ बाहर नौकरी करती हैं, तो मेहनत करती हैं तभी तो पैसा आता है। अब उस पैसे से वो हमारे पसंद के खिलौने, कपड़े, खाना, जो जो चीज़ें हमको चाहिए होती हैं वो हमको ला करके देती हैं। समटाइम्स दे टेक देयर चिल्ड्रन टू पार्क, पिकनिक एंड ज़ू, दे ऑल्सो प्ले विद देम। कभी कभी क्या होता है, मम्मी पापा हम लोग के साथ हम लोगों को घुमाने ले जाते हैं, कभी पार्क ले जाते हैं, पार्क में हम लोग खेलते हैं, ज़ू ले जाते हैं, ज़ू में घुमाते हैं। ज़ू पता किसे कहते हैं, ज़ू उसे कहते हैं जहाँ पे खूब ढेर सारे पशु पक्षी रहते हैं, मतलब एनिमल्स रहते हैं, चिड़िया है, शेर है, पिंजरे में बंद रहता है, तो वहाँ वहाँ ज़ू कहते हैं जहाँ पे हम जा कर के देखते हैं। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, कभी आपको खिलाने के लिए पार्क में लेके जाएंगे, कभी आपको घुमाने के लिए ज़ू में घुमाएंगे, और कभी कभी क्या होता है वो हमारे साथ खेलते भी हैं, यानी कि हमको पढ़ाई करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, हमारी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं, उसके बाद वो हमारे साथ खेलते भी हैं। पेरेंट्स ऑल्सो टेल द स्टोरीज टू द चिल्ड्रेन, दे टीच दैम गुड हैबिट्स, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। अब हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, मम्मी पापा हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, वो कहानियाँ सुनाते हैं जिससे हमको अच्छी अच्छी बातें हमको पता चलती हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे मम्मी पापा हम लोग का इतना ध्यान देते हैं तो हमको भी उनका आदर करना चाहिए ना, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनके हर काम में हेल्प करनी चाहिए। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको सुनना चाहिए, ये काम हमारा है, ठीक। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमको अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए अगर कोई भी मम्मी पापा है, कोई भी है, अगर आपकी देखभाल करता है, आप पे ध्यान देता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उनकी बातें सुने, उनकी हेल्प करें, है ना। चलिए आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, कुछ बातें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए और उसको करना चाहिए। पेरेंट्स लुक आफ्टर द फैमिली, पेरेंट्स क्या करते हैं, मम्मी पापा वो हमारे पूरे परिवार की देखभाल करते हैं। फादर अर्न्स मनी फॉर द मनी, पापा क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर से पैसा कमा के लाते हैं और उस पैसे से हम अपनी पसंद की चीज़ें खरीदवाते हैं। मदर कुक्स फूड टू अस, मम्मी क्या करती है, वो हम लोगों के लिए खाना बनाती है, वो सबके लिए खाना बनाती हैं। सम मदर्स ऑल्सो वर्क आउटसाइड द हाउस, कुछ मम्मी क्या होती है, घर का तो काम करती हैं, घर का काम करने के साथ साथ वो बाहर भी जाती हैं, बाहर भी कमाती हैं। पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रेन गुड हैबिट्स, सबके मम्मी पापा अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, गलत बातें कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों को नहीं सिखाता, सब अच्छी बातें सिखाते हैं। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों को प्यार करना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए, जो वो कहते हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनसे बहस नहीं करना चाहिए, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनसे प्यार के साथ करना चाहिए, ठीक। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, कल हम आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक। और जो हमने बातें कही हैं उनको ध्यान रखिएगा, उनको भूलिएगा नहीं, ठीक। ओके गुड।